और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में अब तक कोहराम मचाने वाले हथियारों और हवाई तकनीक का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन इस बार चर्चा रूस के उस हाहाकारी विमान को लेकर हो रही है जो पूरे यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तट को तबाह करने की ताकत रखता है। और ऐसा महज इसलिए क्योंकि रूस का ये घातक विमान परमाणु बमों का जखीरा लेकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे रूस की इस नई ताकत ने अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ा रखी। कोई दूसरी तस्वीर नजर नहीं आती। बताया जाता है कि रूस का ये बेहद ताकतवर विमान पल भर में सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में तबाही ला सकता है। दावा किया जाता है कि रूस का TU-22M3 7000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये विमान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 24000 किलो के हथियारों को लेकर हवा में उड़ सकता है। इस विमान को 4 क्रू मेंबर उड़ा सकते हैं। TU-22M3 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये विमान 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा है। रूस का यह बॉम्बर टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। यह खतरनाक बॉम्बर रडार की पकड़ से बचने के लिए काफी नीचे उड़ान भरने में सक्षम है। और सबसे खास बात ये कि KH-15 या एंटी रडार मिसाइल के साथ KH-22 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। इतने खतरनाक फीचर्स की वजह से ही अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य संगठन नेटो ने इसे बैकफायर नाम दिया है। इसमें हवा में ईंधन भरने के लिए एरियल नोस को भी लगाया गया है, जिसकी वजह से इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। बताया जाता है कि रूस अपने इस बेहद शक्तिशाली विमान का इस्तेमाल सीरिया में भी कर चुका है, जहां इस विमान ने बमबारी करके कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। सोवियत संघ के जमाने का यह विमान अब पहले से कहीं ज्यादा हाईटेक हो चुका है और इस विमान की रेंज भी अमेरिका के पूर्वी तट तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, समूचा यूरोप इस विमान के निशाने पर आ सकता है। और अगर पुतिन की सेना ने इस विमान का एक बार फिर इस्तेमाल किया तो ये मौत का दूत भारी तबाही ला सकता है। और काला सागर में यूक्रेन की इस बड़ी तैयारी के बीच से न्यूज 18 इंडिया आपके लिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। ओडेसा में मौजूद न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर जावेद मंसूरी ने यूक्रेन की इस बड़ी तैयारी के बीच से ग्राउंड रिपोर्ट में भेजी है। आखिर क्यों यूक्रेन ओडेसा को किसी भी कीमत पर रूस से बचाना चाहता है और आखिर ओडेसा से लगने वाला काला सागर का तट ज़ेलेंस्की के लिए इतना अहम क्यों है, इसकी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने सी माइंस बिछाई है, चप्पे चप्पे में लैंड माइंस ट्रैक है। इस तरह से जो ट्रैक है हम उसी पर चलें, ये हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हर कदम पर खतरा, डेंजर, काला सागर के किनारे जान का जोखिम। ये हमारे यहाँ पर ड्राइवर हैं जो कि हमसे कह रहे हैं कि यहाँ से चलिए, यहाँ खतरा हो सकता है। बड़े खतरे की चेतावनी, देखिए ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से निकल चले, यहाँ सही नहीं है ठहरना, जल्दी से निकल जाने की हिदायत। यहाँ कदम कदम पर मौत का खतरा है, क्योंकि सागर के इस तट पर कहाँ लैंड माइंस बिछी हैं इसका कोई अंदाजा नहीं था। समंदर के इस तट पर बढ़ा एक गलत कदम कभी भी किसी अनहोनी को बुलावा दे सकता था, क्योंकि महायुद्ध के बीच न्यूज 18 की टीम पहुंची थी यूक्रेन के ओडेसा से लगने वाले काला सागर के तट पर। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग चल रही है और न्यूज 18 इंडिया की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है जो यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडेसा की, जो कि अब अकेला ऐसा बंदरगाह बचा है जो यूक्रेन के पास है। और अगर ओडेसा पर कब्जा होता है तो समंदर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि मारियोपोल पहले ही वो खो चुका है। काला सागर की तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं और इसका क्या महत्व है यूक्रेन के लिए वो भी बताएंगे। देखिए सामरिक लिहाज से देखें तो ये
मारियोपोल के बाद दूसरा बड़ा बंदरगाह है। मारियोपोल यूक्रेन पहले ही खो चुका है, उस पर रूस का कब्जा हो चुका है। ऐसे में पूरी ताकत यूक्रेन ने ओडेसा और यहां के बंदरगाहों को बचाने के लिए झोंक दी है। समुद्री तट अगर ये रूस कब्जा कर लेता है तो पूरी तरह से जो समुद्री तट है पूरा रूस के कब्जे में आ जाएगा। रूस की कोशिश यही है कि वो किसी तरह से ओडेसा पर कब्जा करे। यहां भी लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ओडेसा से लगने वाला काला सागर का ये तट यूक्रेन के लिए क्यों अहम है? आखिर काला सागर के किनारे बसा ओडेसा शहर को बचाने के लिए इस वक्त ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है, इसकी वजह भी समझनी जरूरी है। काला सागर से लगने वाला ओडेसा यूक्रेन का बेहद अहम बंदरगाह है। मारियोपोल पर पहले से ही रूस कब्जा कर चुका है। खेरसोन और मिलिकोव में भी रूस यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रहा है। ऐसे में अब ओडेसा पर रूस का कब्जा हो जाता है तो यूक्रेन हमेशा हमेशा के लिए काला सागर से कट जाएगा। और इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए रूस ओडेसा पर लगातार हमले कर रहा है। ओडेसा में यूक्रेन के बंदरगाह को भी वो हमले के जरिए नुकसान पहुंचा चुका है। करीब 70 किलोमीटर दूर क्रीमिया है जहां पर रूस की बड़ी नौसेना मौजूद है, साथ ही बड़े बड़े युद्धपोत हैं। इसके अलावा यहां से 20 समुद्री मील दूरी पर ऐसे कई पनडुब्बियां रूस की हैं और युद्धपोत हैं जो यूक्रेन पर निशाना लगाए हुए हैं, कभी भी वो हमला कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन ने भी इस पूरे इलाके को महफूज रखने के लिए अपनी पूरी तैयारियां यहां पर की हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने सी माइंस बिछाई हैं, साथ ही जो समुद्र के किनारे जो ये तटीय इलाका आप देख रहे हैं इन इलाकों में भी लैंड माइंस बताया जा रहा है कि बिछी हुई हैं, क्योंकि अगर रूसी सैनिक अंदर यहां ब्लैक सी के जरिए दाखिल होते हैं तो वो उनको रोका जा सके। तो पूरी तैयारी न सिर्फ यूक्रेन की है बल्कि रूस भी ओडेसा के जरिए इस शहर पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल कई ठिकानों पर ओडेसा में हमला किया गया ताकि लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएं। आपको बता दें कि यहां फ्यूल की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है, यहां महंगाई हो गई है और इसी वजह से रूस चाहता है कि ये लोग यहां से पलायन कर जाएं ताकि रूस यहां मौका देखकर हमला करे। यूक्रेन के हाथ से अगर ओडेसा निकल गया तो यूरोप से उसका समुद्री संपर्क करीब करीब खत्म हो जाएगा और ये ज़ेलेंस्की कभी नहीं चाहेंगे। सिर्फ यही एक बंदरगाह और समुद्री तट यूक्रेन के पास बचा है जो उसे किसी भी तरीके से अगर कोई मदद समुद्र के जरिए आती है तो उसे मिल सकती है। न सिर्फ सैन्य मदद बल्कि उसके कारोबार के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ओडेसा खो देता है यूक्रेन तो आप समझिए कि पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री यूक्रेन बन जाएगा और फिर रूस को बहुत आसानी होगी ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए। और यही एक बड़ा किला है जिसे ज़ेलेंस्की हर तरीके से बचाना चाहते हैं। ओडेसा में काला सागर के तट पर यूक्रेन और रूस की इस युद्ध रणनीति को समझना आसान नहीं था क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान काला सागर के तट पर पड़ने वाला हर कदम जोखिम भरा था। काले सागर के किनारे हम यहां से रिपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हमें बताया गया है कि सी माइंस हो सकती हैं और ये जो तटीय इलाका है जो समुद्र का किनारा है यहां पर जो आप ये झाड़ियां देख रहे हैं यहां पर भी माइंस हो सकती हैं, ये हमको स्पष्ट बताया गया है। लिहाजा जो ट्रैक है इस तरह से जो ट्रैक है हम उसी पर चलें, ये हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं क्योंकि ओडेसा भी रूस के निशाने पर है और यहां भी लगातार रूसी सेना हमला कर रही है और कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से यहां किनारे से अगर हम जाते हैं किनारे की तरफ तो क्या स्थिति है। यहां आप देखिए पूरा जो ट्रैक बना हुआ है, आमतौर पर यहां लोग आपको नजर नहीं आएंगे, यहां आमतौर पर लोग होते हैं लेकिन फिलहाल नजर नहीं आएंगे, आप तस्वीर देख सकते हैं। की सेना ओडेसा के तट से महज 20 नॉटिकल माइल की दूरी पर समंदर में मौजूद है। यूक्रेन को डर है कि अगर रूस ने और ज्यादा आक्रामकता दिखाई तो ओडेसा भी उसके हाथ से निकल सकता है, लिहाजा यूक्रेन की सेना ने ओडेसा में काला सागर तट पर एक बड़े हिस्से में लैंड माइंस बिछा रखी है ताकि अगर
रूस की सेना यहां तक पहुंच भी जाए तो वो इस तट से आगे न बढ़ पाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान न्यूज 18 रिपोर्टर जावेद मंसूरी एक ऐसे ही इलाके में अनजाने में जाते जाते बचे। और ओडेसा पर रूस के हमले लगातार जारी है। रूस ने यहां पर बने बिल्डिंग और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया, बल्कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अब रूस के निशाने पर है। रूस ने ओडेसा को एक ऐसे सुपर मार्केट को अपना निशाना बनाया है जिसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियों के आउटलेट भी मौजूद थे। काले सागर के किनारे बचे ओडेसा में रूस ने बर्बादी की क्या कहानियां लिखी है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक सुपरमार्केट के पास हम मौजूद हैं और अगर इस सुपरमार्केट की आप इमारत को देखेंगे किस तरह से इसको ध्वस्त किया गया है। मई महीने में यहां पर हमला किया गया है। आपको बताएं कि इसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के आउटलेट्स यहां हुआ करते थे। और अब जरा तस्वीर देख लीजिए कि यहां स्थिति क्या हो गई है। जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से नेस्ते नाबूद हो गए। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस से अपना पूरा कारोबार समेट लिया है, लेकिन रूस ने भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूक्रेन में काम कर रही हैं वो इनको निशाना बना रही है। देखिए, इन कंपनीज को, इन आउटलेट्स को निशाना बनाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो रूस भी अमेरिका को चोट पहुंचाना चाहता है, चाहे वो यूक्रेन में मौजूद उसके आउटलेट्स हों। और दूसरा बड़ी वजह इसकी ये सामने आ रही है कि यूक्रेन को आर्थिक तौर पर तोड़ना चाहता है, क्योंकि इस इलाके में जब से रूस ने इधर निशाने लगाए हैं, हमले किए हैं, इस शहर की इकोनॉमी पर बड़ा फर्क पड़ा है। रूस की कोशिश यही है कि यहाँ से लोग पलायन कर जाएं, यहाँ से लोग निकल जाएं, ताकि रूस को इस इलाके को कब्जा करने में, यहाँ हमला करने में आसानी रहे, क्योंकि रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। ऐसे कई बड़े शहर हैं रूस जिन्हें अभी भी कब्जाना चाहता है। बंदरगाह वाला एक शहर है मारियोपोल, उसको कब्जा कर चुका है रूस। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है ओडेसा, जो कि काला सागर के किनारे बसा है, रूस की नजर ओडेसा पर है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को झुकाना बहुत आसान होगा, क्योंकि यूक्रेन का समुद्र से कनेक्शन पूरी तरह से कट जाएगा। यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने की जंग लड़ती हुई नजर आ रही है और अब ज्यादातर फोकस जो है ओडेसा को लेकर है। ओडेसा में रूस की सेना आगे ना बढ़ पाए, इसको लेकर यूक्रेन की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। बारूदी सुरंगें वहां पर बिछा दी गई है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से वहां पर बड़े बड़े कार्यालयों को ध्वस्त कर दिया गया है। बड़े बड़े सुपरमार्केट्स वहां पर जो मौजूद थे, जिसमें कई तरह के आउटलेट्स थे, उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करती हुई रूस की सेना, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जंग में अब लगातार रूस की सेना इस कदर हमलावर होती हुई नजर आ रही है कि महत्वपूर्ण स्थानों पर टारगेट करने के साथ अब काला सागर से लगते शहरों पर हमले किए जाए। और काला सागर के किनारे बसे ओडेसा को जीतने के लिए पुतिन कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओडेसा पर लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। न्यूज 18 की टीम को ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ओडेसा की मेयर ने यह बताया कि रूस के हमलों से यूक्रेन सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम इस वक्त ओडेसा पहुंच चुकी है। ओडेसा में भी बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया था। यहां ओडेसा के मेयर, जो कि इस इमारत का जायजा लेने के लिए आए हैं, आकलन कर रहे हैं नुकसान का। और ओडेसा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, बंदरगाह है, ब्लैक सी से लगा हुआ ये पूरा इलाका है। क्या नुकसान हुआ है और किस तरह से ये लोग ओडेसा